जय माता दी, राम राम सीता राम। राम लखन नाम है ना, माखन भूजिए इसमें सिंह में घी, क्या गाय का घी लगाते हैं इसमें, ठीक है। घी लगाएगा ना तो ब्लैक भी बढ़िया रहेगा और इसका मगज ठंडा रहेगा। ये गाय का मक्खन है, मक्खन लगाते हैं। बस ले ना, वाह वाह, इसमें गाय का मक्खन लगाते हैं। वाह, उभो रहे है। हाँ ये सींग खराब भी नहीं होता और बढ़िया भी लगता है, ब्लैक हो जाता है। इसे मैं पकड़ता हूँ, बस बस बोले। मारे नहीं, मारे थोड़ा आप मारे आप बच्चों को। हेलो हेलो रो, ऐसा मक्खन है ये, गाय का मक्खन है, वही लगाना चाहिए। घी जल्दी गर्म हो जाता है, ये ठंडा रहता है। हर 8 दिन होता है ना, तब हमारे बैलों का इधर लगाते हैं। अभी तो मैं कभी कभी तो भूल जाता हूँ, तो लेकिन जब मैं छोटा था ना, तब हमारी माता जी थे ना, वो तो जो 8 दिन हर संडे आता है ना, तब बोलती थी ये तो मक्खन नहीं लगाएगा ना तो गुस्सा करती। वाह, तो इसका मगज ठंडा रहता है इसीलिए लगाते हैं। तो बढ़िया हो जाता है, मैं कभी कभी तो वीडियो उतारने वाला नहीं होता। वाह 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 वाह, ये दरपोक बहुत आता है काकली से भाई। लखन वाह, थोड़ा डर के भाग दिया है, मैं वापस पकड़ता हूँ इसको। वाह 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 वाह, इसको बिल्कुल वापस पकड़ता है। ये कभी मालिक को नहीं मिली, स्पॉट लगाते देखो, मालिक को कभी लगाते नहीं। देखो ये कितना खूबसूरत बढ़िया लगता है, अभी इसको लगा दिया है। इधर एक नंदी है, उसको भी ना लगाता हूँ, क्या नंदी है ना, नंदी को भी मैं लगाता हूँ। हमारा भीम नंदी है, एक तो ये मोबाइल 24 घंटा बजता है। हाँ हाँ हाँ, 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 हाँ
छोटे वाला है इसको तो फटाफट मांग देते हैं, तो बड़े वाला क्या करता है इसका। ये हमारे भीम से भीम भीम है भीम नंदी ठीक है। इसको हमें साथ नहीं मांगते, 10-15 दिन, 10 दिन, 8 दिन, 8 दिन पहले तो बेलू का ही काम था, तो बेल को हमेशा लगाते थे। ये है ना, माखन लगाना चाहिए हर गाय होगा घोड़ा होगा, ये ना गाय घोड़ा बैल होगा ना, तो ये बढ़िया रहता है सबको, क्योंकि मक्खन है गर्म भी होता है, उसका सींग में ब्लैक भी बढ़िया रहता है, ब्लैक भी बढ़िया रहता है। और ये हमारा गाड़ा है इधर देखो, ये ना ये बैल गाड़ी, हमारे गाड़ा बोलते हैं इसको, बैल गाड़ी है, तो डोंगरी बोंगरी कंप्लीट करके रखा, कल परसों इसको लेके निकलेंगे घूमने के लिए राम लखन को। देखो ऐसे खड़ा है तो शेर जैसे खड़ा है, देखो ऐसे ही खड़े रहते हैं, क्योंकि दोनों भाई ऐसे ही खड़े रहते हैं। ये इसको पहले ही अंदर था, तो अभी बारिश बंद हुई है 2 दिन से, तो अब नहीं आएगी तो किसान भी बचता रहेगा। और इसको इधर बाहरी गमन रख दिया है, तो थोड़ा हम उधर जाते हैं, काकरे कोई कोई है, इसको नंदी आएगा हाथ में तो हम मक्खन लगाते हैं, इसको बांध के तो नहीं रखा है। देखो ये सींग भी पक चुकी है, अभी लेबर नहीं मिल रहा ज़्यादा, लेबर नहीं मिल रहा है, अभी तो नंदियों को बांधा नहीं है ना, तो थोड़ा इधर उधर करेगा, तो देखता हूँ अंदर जाके क्या करते हैं। इधर सब खुले हैं और महाकाल है ना, वो तो बढ़िया शांत रहता है, महाकाल है वो तो शांत रहता है। मैं तो जाता हूँ अंदर, तो वो आई नहीं चाल लूँगी तुम्हारे फिर हुई है जी, या तुम ये बढ़ने इसको खाने का टाइम हो गया है ना, तो देखो हमारा महाकाल तो आ रहा है सामने, दरवाजा मैंने खोला ना तो आ रहा है सीधा, बस बस बाबा, इसको तो सीधा खाने है, इसको कभी कभी मैं लगाता हूँ बाबा, बढ़िया है हमारा महाकाल, शांत भी बढ़िया रहता है हमेशा, बाबा बाबा काकरेज भूल है ना, बढ़िया गुस्से लाता है हमारे महाकाल, इतना गुस्से नहीं, ये हमारे घोरी 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 हर गाय को तो नहीं लगाते, पर तो बसा हुआ है राम लखन के लिए तो लगा देता हूँ। ये हमारे लता बे बढ़िया खूबसूरत है, यानी कि हमारे लता बढ़िया खूबसूरत है, देखो ये खुली है तो ये मालिक को बढ़िया विश्वास है। वैसे हेलो इसका तो बहुत बड़ा सिंह है, हाँ हेलो
ले उभो रे ने ले देखो इसमें ये दूसरा खेत में जहाँ सींग नहीं निकली थी ना पानी भरा हुआ था वहाँ ये ज्वार गायों के लिए लगाई है बढ़िया हो गई है। ये बारिश बंद होगी तो बढ़िया रहेगी यानी कि इधर ये ज्वार हो गई है एक बीघा के आसपास एक बीघा से तो कम होगा यानी कम होगा ये बढ़िया निकली है एक महीना में ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि एक महीना में इसे देखो इसमें भी ये ईर आ गई है काटने वाली यानी इधर ये काटने वाली ईर आ गई है इसमें भी तो ऐसा है भाई सभी यानी कि ऐसी दीवार लगाई है इसमें घास भी इसमें बढ़िया हो गया है। देखो ये बारिश हमारी साइड परेशान सब किसान को करके रख दिया है अभी भी बारिश दो दिन से रुकी हुई है ये बारिश नहीं रुकेगी ना तो ये किसान बर्बाद हो जाएगा। हमारे तो ये फसल सही है क्योंकि ये फसल सही है गायों और घोड़ा और बैलों की दया से हमारे तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन देखो ये पास में खेतर में पक चुकी है ये खराब हो गई है फसल अभी ये चार पाँच दिन में नहीं निकालेगा ना तो बहुत नुकसान होगा इसमें। हमारे तो ये सही है कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है है इतनी ज्वार वाला तो इसमें ज्वार लगा दिया है। देखो इसमें हमारे छोटे भाई की सींग है तो इसमें भी देखो ये ख़राब हो गई है यही तकलीफ है क्योंकि बारिश बहुत हुई है अभी हमारी साइड ये देखो ये फसल ख़राब हो गई है इधर पूरी ख़राब है इधर आपको दिखाई देती है खाली हरी बाकी ये पूरी पक चुकी है इधर यहाँ यहाँ ऐसे ही ख़राब हो गई है। ये हमारी सींग है हमारे तो वही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कोई लेकिन अभी हमारे बारिश आएगी तो प्रॉब्लम रहेगा ही प्रॉब्लम रहेगा ही ये सींग ऐसा है ये ज्वार लगाई है तो बढ़िया हो गई है ये भी महीना के बाद कटाई गालेंगे ये पाँच छः दिन चलेगी ज़्यादा दिन तो नहीं चलती। ऐसे ही हमारा दूसरा फार्म की ये बड़ा फार्म है इधर तीन खेत है और मैं कल नहीं बोल रहा था कि ये जो रुक्मणी जी का वियोग कैसे हुआ दूर रिया है तो एक बार वहाँ दुर्वासा मुनि आया था उधर द्वारका कृष्ण भगवान के पास घूमने के लिए उसको खबर था मालूम था ये परमात्मा है द्वारकाधीश से हो तो दुर्वासा मुनि इतना गुस्सेल था कि उनसे अग्नि भी कम गुस्सेल थी यानी कम गुस्सेल थी इतना गुस्सेल था तो एक बार वहाँ आया तो ये जो वहाँ गोमती जी है तो गोमती जी के सामने काठे बैठा हुआ था बढ़िया बात सुनने के लिए ये बढ़िया है आप याद रखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बढ़िया है। तो मैं भगवद गीता में भी पढ़ा है और कृष्ण लीला में भी पढ़ा है ऐसी बात तो उसमें क्या था दुर्वासा मुनि आया और गोमती जी के सामने कांठे पे बैठ गया और वहाँ बैठ के द्वारका नगरी में भगवान को संदेशा भेजा कि मैं इधर आ गया मेरे को खाना चाहिए। तो भगवान ने बोला नहीं उसने नहीं बोला था भगवान ने बोला कि दुर्वासा मुनि उधर आया है तो आप सब पटराणी सब है वो खाना बनाए 16108 पटराणी थी भगवान को 16 पटराणी थी तो उसमें भगवान ने बोला है दुर्वासा मुनि आया है तो इसके खाने के लिए आप भोजन लगाए। तो वहाँ थी जो जवार से ओली कोर आई ने ऐठा है बंद करो ना झट को जवार ने ओली कोर थी हमा करते जाए आई तो बराबर है भाई वहाँ काका ने झाड़ू पड़ेगू आ कोर थी कंक थी आवे इमा तो कहीं आवलता ना तो वहाँ जवार खादल है। तो ऐसे 16108 पटराणी ने सब ने खाना बनाया 32 झट का भोजन बनाया। तो तैयार खाना तैयार होगा तो भगवान को बोला ये दुर्वासा मुनि के लिए जम खाने के लिए तैयार हो गया है। तो
तो भगवान ने बोला आप जाए वहाँ गोमती जी के सामने काठे बैठा हुआ है, तो आप सब लेके जाए, उसको प्रसाद दिए, ऐसा बोलना, उसको भोजन मत बोलना, उसको प्रसाद बोलना। तो रुक्मणी जी बोला ये वहाँ तो गोमती मैया बारिश की वजह से दो काठे बह रही है, हम वहाँ कहाँ से जाएगी। तो भगवान ने बोला ऐसा वहाँ जाके बोलना कि दुर्वासा मुनि जन्म से उपवासी होगा ना, तो माता जी हमारे को मार्ग देना, रास्ता देना। तो सब ऐसा बोल के हम खाना इसके लिए लेके जाते हैं, 16108 पटराणी, 32 जात का भोजन, और ये भगवान ये बोल रहा कि आप वहाँ जाके ऐसा बोलना कि दुर्वासा मुनि जन्म का उपवासी होगा, तो ये खाना कौन खाएगा वहाँ, हम लेके तो जाएगी। तो भगवान ने, उसकी पत्नी थी सब, तो कोई प्रश्न नहीं पूछा, ठीक है। वहाँ रुक्मणी जी आई और उसने गोमती मैया को जाके बोली कि माता जी हमारे को जो दुर्वासा मुनि जन्म का उपवासी होगा ना, तो हमारे को दुर्वासा मुनि को खाना परोसने के लिए जाना है, जमवान हमारे बोले, तो आप हमारे को रास्ता दीजिए। तो वहाँ गोमती मैया रुक गई और बालू उड़ने लगा, रास्ता दे दिया, 16108 पटराणी था उसको, रास्ता दे दिया। तो ये सब विशर्म में हो गई कि ये कैसे हुआ है। जब वहाँ गई तो ये दुर्वासा मुनि ने 16108 पटराणी का खाना खाया। इसने बोला जे भगवान ने भेजा है आपके लिए प्रसाद, तो दुर्वासा मुनि ने वो तो सब खा लिया, 16108 पटराणी का, सबका एक अकेला आदमी खाना खा गया। तो देखती रह गई कि साला इतना खा गया है, और ये हमने तो बोला था ये दुर्वासा मुनि जन्म का उपवासी होगा, तो माता जी यज्ञ देना, तो कैसे हुआ। तो उसको वापस आना था, तब उसने बोला दुर्वासा मुनि को कि पिताजी हमारे को वापस जाना है द्वारका नगरी में, तो ये गोमती जी तो दोनों कांठे पे बह रही है, बारिश बहुत है, तो हम कैसे जाएंगे। तो दुर्वासा मुनि ने बोला ये ऐसा जी के वहाँ बोलना कि कृष्ण भगवान बाल ब्रह्मसारी होगा ना, तो ये हमारे को रास्ता देना, यज्ञ देना, रास्ता देना, न करनी देना। तो विचार में सब रानी पड़ गई, 16108 पटरानी। तो वो बोले ठीक है, हम जेके बोलते थे, वो पिताजी के सामने कुछ नहीं बोलती थी पहले की लड़की, और पति के सामने भी कुछ नहीं बोलती थी। तो वहाँ जेके उसने गोमती जी घाट पे जेके ऐसा बोला रुक्मणी जी ने कि महाराज माता जी हमारे को द्वारका नगरी में जाना है, और कृष्ण बाल ब्रह्मसारी होगा तो हमारे को रास्ता देना। तो ये नदी ने रास्ता दे दिया, तो उसमें तो फंस गई कि हम तो सब कृष्ण भगवान की बीवी है, और हमने बाल ब्रह्मसारी, ये कहाँ से होगा। तो वहाँ जाके भगवान को प्रश्न किया कि जो हमने खाना दिया वो दुर्वासा मुनि 16108 पटराणी का खाना खा गया है, और हमने बोला था कि ये जो जन्म का उपवासी होगा दुर्वासा मुनि, तो माता जी यज्ञ देना, तो यज्ञ दे दिया, लेकिन हमने सबने खाना दिया तो पूरा खा गया 16108 पटराणी का। और जब वापस आने वाली थी हम, तब उसने हमने बोला था दुर्वासा मुनि को कि पिताजी हमारे को द्वारका नगरी में जाना है भगवान के पास, तो हम क्या करेंगे, गोमती मैया तो दोनों कांटे बह रही है। तो उसने बोला था कि जो ऐसा बोलना कृष्ण बाल ब्रह्मसारी होगा ना, तो ही हमारे को माता जी रास्ता देना, न कि नहीं देना। तो हमने वो ही आके बोला, तो रास्ता दे दिया। तो हमने हमारे हाथों से दुर्वासा मुनि को खाना खिलाया, तो जन्म का उपवासी वो कैसे होगा, और हम आपकी बीवी है तो आप बाल ब्रह्मचारी कहाँ से होगा। तो भगवान ने बोला मैं, मेरे लिए किसी कभी कुछ नहीं किया है, मेरे लिए आपसे शादी भी नहीं किया है, मैं आपके लिए मैं आपको शादी किया है आपके लिए। तो ये रानी ने बोला रुक्मणी जी ने कि क्यों, तो कि अगला जन्म में रामा अवतार में आप है ना, एक राक्षस था इधर गोप नाम का, गोप राक्षस था, उसने सब आपको सब कन्या का अपहरण करके रखा था, और ये इधर हमारे गोप है, गोप गांव भी है वहाँ, वो गोप राक्षस का भुईरा भी है, मेरे पिताजी बात कर रहा था, हमारे देवभूमि द्वारका जिला है ना वहाँ ही है, भाणवर तालुका में, तो वहाँ है गोप गांव भी है, और उसका गोपनाथ का मंदिर भी वहाँ है बड़ा महादेव का।
तो वहाँ राक्षस उस भगवान की पूजा करते थे, और जहाँ बढ़िया लड़की देखते थे, किसी भी होगी, राक्षस की होगी, हिंदू की होगी, मुसलमान की होगी, सबको उठा के ले जाते थे। तब वो गोप राक्षस को भगवान ने मारा था ना राम अवतार में, तब वो सब लड़की ने बोला था कि हम क्या करेंगे, हमारे से शादी करो। तो राम ने बोला था क्या, ये भव में तो मैंने एक लड़की के शादी करने के लिए प्रतीक्षा लिया हुआ है सीता जी से, मैं आपको कृष्णा अवतार में बदला दे दूंगा, तो इसीलिए आप है, मैं आपसे शादी करने के लिए नहीं, इसीलिए आप सबको मैं हरण करके लेके आता हूँ, मेरे को अगला जन्म का बदला देना। तो कि ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ये दुर्वासा मुनि ने 16108 थाली 32 भोजन का खाना खा लिया है, तो वो जन्म का उपवासी कहाँ से होगा। तो उसने बोला जब से वो जन्मा हुआ है ना, तब से उसने माँ का दूध ही पिया है, बाकी दूसरा कुछ नहीं खाया, एक अन्न का दाना नहीं खाया। कोई उसको प्रसाद बोल के जो खाना देते हैं ना, तो ही वो खाते हैं, नहीं तो कभी नहीं खाते, श्वास पे जिंदा रहते हैं। वो दुर्वासा मुनि है, वो दुर्वासा मुनि ने साप दिया था रुक्मिणी और कृष्ण को अलग होने के लिए, इसलिए रुक्मिणी जी का वहाँ से मंदिर थोड़ा दूरी पे है। तो ऐसा है भाई कृष्ण भगवान का। और कृष्ण भगवान दूसरा ये 16108 पटरानी को उठा के लाया था हर जगह से, उसके पास हरण या रथ था, हर एरिया में हर राजा की लड़की को उठाया था उसने, हर प्रजा का, हर धर्म की लड़की उठाया था, सबको उठा के लाया था वो। हमारा तो ऐसे ही भगवान रिश्ते में तो हमारे मामा लगता है, क्योंकि हम जो महाराणा प्रताप है वो पांडु का वंश का है, तो कृष्ण भगवान का वंश का वो जो यदुकुट है ना, ये यादव है, तो हम तो उसका भांजा ही लगते हैं, लेकिन बोलना पड़ता है पहले तो, क्योंकि क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्र वैश्य चार ही वर्ण था। तो ये हम सुभद्रा है ना, सुभद्रा का लड़का जो अभिमन्यु था ना, अभिमन्यु का जन्मेजय परिषित था, उसका बेटा है, महाराणा प्रताप की जाति है वो, तो इसलिए वो तो हमारे मामा लगते हैं, लेकिन बोलना तो पड़ता ही है। तो ऐसा है भाई साहब के, तो ये सब बोला, ये दुर्वासा मुनि ने कभी खाना नहीं खाया, आप प्रसाद बोलेंगे ना तो आप जितना देगा इतना खा जाते। वो अग्नि से भी गुस्सेल था, आग से भी गुस्सेल था, इतना जरा इधर उधर आप बोलेंगे करेंगे ना तो साफ दे देते, इतना गुस्सेल दुर्वासा मुनि था। तो ऐसी थे भाई साहब ये कहानी, हमारे इधर गुजराती में ऐसी कहानी बोलते हैं। तो ऐसा है भाई साहब, ऐसी हमारी सिंह है, थोड़ा ये वीडियो तो बड़ा हो गया, अब मैं बोला आपको भगवान की कहानी सुनाता हूँ, तो ये आप भी सुनिए और किसी और को भी सुनाइए, कैसा होता है कि किसी को उठा के लाना है ना, तो ज़िंदगी भर निभाना पड़ता है, ये भव में बदला नहीं देंगे तो अगला भव में बदला देना पड़ता है, जो भगवान को देना पड़ता है बदला, तो आप और हमारी तक क्या हैसियत ही है, यानी आप और हमारी तो हैसियत भी क्या है, अब कोई बदला तो देना पड़ता है। कोई कोई बोलता है ना कि उसको ये पैसा खा गया, किसी को लड़की उठा गया, किसी की माँ उठा गया, किसी की बीवी उठा गया, तो ये तो करना ही पड़ता है, बोलता है उसने मार दिया, इसने मार दिया, लेकिन ये भगवान मरने वाला ही नहीं था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब लड़ाई चल रही थी ना, तो 18,000 श्रोणी सेना, तो 18 करोड़ प्रजा को मार दिया था, लेकिन कृष्ण को कुछ नहीं हुआ था, उसको थोड़ा एक भालका तीर्थ में एक पारादी थोड़ा मार सकता है, ये इसको बदला देना था। तो ऐसा है भाई साहब ये कहानी, उसने एक पाराधी ने मार दिया था, जो 18,000 श्रोणी सेना, तो 18 करोड़ लोग को मार दिया था, वहाँ महान योद्धा था कर्ण, दादा भीष्म, गुरु द्रोण, सल राजा, ऐसा बड़े बड़े योद्धा था, वो सब मर गया, कृष्ण को कुछ नहीं हुआ था, वो थोड़ा उसको कोई पाराधी मार सकता, कोई नहीं मार सकता, एक पाराधी ने मार दिया था, वो पाराधी था ना, मैं कल अगले वीडियो में बताऊंगा पाराधी वाली कहानी।